हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपके साथ ये इजी पार्टी मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, तो आप वीडियो एंड तक देखें। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते। तो मैंने सबसे पहले यहाँ मॉइस्चराइजर लगा लिया था आधे घंटे पहले, उसके बाद मैं यहाँ पर एक फेशियल ऑयल यूज़ कर रही। वैसे समर आ गई, आपकी अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप नहीं यूज़ करना चाहते ऑयल बेस्ड सीरम, तो आप ना करें। उसके बाद आप अपनी पसंद का कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं आप सीरम की जगह। उसके बाद मैंने यहाँ पे पर्पल का फाउंडेशन लिया, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है तो जो भी ओपन पोज होंगे उनको अच्छे से फिल कर देगा ये, जिसके मतलब वजह से फाउंडेशन लगाने के जो गड्ढे गड्ढे लगते हैं, मतलब जो हमारे ओपन पोर होते हैं वो खुले खुले नहीं दिखेंगे, ये उनको अच्छे से फिल कर देगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर फाउंडेशन के मेकअप प्रिपरेशन का फाउंडेशन स्टिक लिया है, काफ़ी अच्छा स्टिक है, फुल कवरेज है। लेकिन ये मेरा शेड जो ये शेड है वो मेरी स्किन से लाइट होता है, लाइट है और मैंने ज़्यादा भी लगा लिया इसलिए ये वाइट वाइट दिख रहा है। लेकिन इसे मैंने पहले ब्रश की मदद से ब्लेंड किया था, उसके बाद मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये इवन हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर एन बाई वे का कंसीलर यूज़ किया है, ये आप चाहे तो फाउंडेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कॉन्टोर शेड करेक्टर के लिए काफ़ी सारे शेड मिल जाते हैं आपको, तो उसे मैं कंसीलर की तरह लगा रही हूँ यहाँ पे। उन अपने बेस को फाउंडेशन और कंसीलर को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लैक्मे 95 का कॉम्पैक्ट लिया है और डैब डैब करते हुए सेट करूँगी, रगड़ना नहीं आपको, नहीं तो आपका फाउंडेशन जो है वो मतलब क्रीज कर सकता है। फिर जो भी एक्स्ट्रा पाउडर से मैं एक ब्रश की मदद से रिमूव कर लूँगी बहुत हल्के हाथ से। फिर मैं यहाँ पे अपनी आईब्रो को फिल कर रही हूँ। आईब्रो फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे मिस केयर की आईब्रो पेंसिल ली है, तो ये बहुत अच्छी आईब्रो पेंसिल है, देख सकते हैं कितना ख़त्म हो गया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। अंडर 100 रुपीज़ में मिल जाएगा आपको, 75 रुपीज़ या 65 रुपीज़ मुझे याद नहीं है। और इसके बैक साइड आपको कॉम भी मिल जाएगा जिसकी वजह से आप अपने आईब्रो को कॉम भी कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे से आईब्रो भी फिल करता है। फिर मैंने यहाँ पे मेकअप प्रिपरेशन का आई शैडो पैलेट लिया, इसमें जो शेड है वो है डिवीजन आइकॉनिक, और इसमें से जो ये ट्रांजिशन शेड लिया इसे मैं अपने क्रीज लाइन में लगा के अच्छे से ब्लेंड करूँगी, थोड़ा सा क्रीज लाइन से ऊपर, लेकिन इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ये थोड़ा सा पाउडरी है लेकिन जो इसकी पिगमेंटेशन है वो बहुत अच्छा है। फिर मैंने यहाँ पे एक डार्क ग्रीन कलर शेड लिया, इसे मैं अपने इनर कॉर्नर और अपने आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ, सेंटर आईलिड पे नहीं लगाऊंगी, सिर्फ अपने इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे। फिर मैंने यहाँ पे ये लाइट ग्रीन शेड लिया है, ये सिमरी शेड है और काफ़ी पिगमेंटेड है, इसे मैं अपने सेंटर आईलिड पर लगा रही हूँ फिंगर की मदद से। आप चाहे तो ब्रश के ऊपर सेटिंग स्प्रे डाल के भी इसे लगा सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे जो एजेस है उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आईलाइनर के लिए मैंने यहाँ पे शुगर का आईलाइनर लिया है, तो मैं बहुत बेसिक लाइनर लगाना पसंद करती हूँ, मैं हर अपने मेकअप ट्यूटोरियल में बोलती हूँ, तो इसलिए थोड़ा थिक और बहुत बेसिक विंग लाइनर मुझे नहीं पसंद। काजल के लिए मैंने यहाँ पे मेबलिन का काजल लिया था। फिर जो अब मैंने ट्रांजिशन शेड लिया से अपने लोअर लैश लाइन में लगा रही हूँ, और फिर थोड़ा सा जो फॉल आउट हुआ था उसे रिमूव कर लूँगी बहुत थोड़ा सा, ये थोड़ा पाउडरी है मैंने जैसा पहले बताया था। मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पे मेबलिन का मस्कारा लिया, तो मेबलिन के जो मस्कारा होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो आप अगर कोई मस्कारा ट्राई करना चाहते हो तो आप मेबलिन का कर सकते हो, आपको मेबलिन में भी कई सारे मस्कारा मिल जाएंगे। यहाँ पे फेस के लिए मैंने यहाँ पे शुगर का पैलेट लिया है, कॉन्टोर हाईलाइटिंग, इसमें तीनों आपको ब्लश तीन शेड मिल जाते हैं, तो मैं यहाँ पे कॉन्टोरिंग कर रही हूँ पहले, और मैंने हल्का सा फोरहेड को भी किया है, वैसे मैं फोरहेड को नहीं करती हूँ। फिर मैं यहाँ पे नोज़ को भी कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे नायका का ये कॉन्टोर ब्रश लिया है। ब्लश के लिए मैंने सेम पैलेट में से ये शेड लिया है, यहाँ पे ब्लश थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अभी हाइलाइटर के लिए भी मैंने ये शुगर का ही पैलेट यूज़ किया है, जैसा कि मैंने बताया आपको पहले, मैं इसी में से लगाऊँगी, तो मैं अपने हाइस्ट पॉइंट पर हाइलाइटर लगा लूँगी। तो ये पैलेट बहुत अच्छा है, इसका जो MRP है 799 रुपीज़, इसमें आपको हाइलाइटर ब्लश और ब्रॉन्जर तीनों शेड मिल जाएंगे आपको, और काफ़ी अच्छा है, पिगमेंटेड है। अब
बिल्कुल भी पाउडरी नहीं है ये प्रोडक्ट, काफ़ी अच्छा है। फिर मैंने यहाँ पे लिप लाइनर यूज़ किया है ग्लैम 21 का, तो इसे मैंने अपने लोकल मार्केट से लिया था तो मुझे शेड भी याद नहीं। फिर मैंने यहाँ पे लैक्मे 925 की लिपस्टिक लिया, इसमें जो शेड है वो है MR 21, तो ये काफ़ी अच्छा शेड लगा मुझे लिपस्टिक का। मैंने पहली बार ही लिपस्टिक लगाई, इसे मैंने काफ़ी पहले से ले रखा था लेकिन आज पहली बार लगाया तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर मैंने यहाँ पे NYX का सेटिंग स्प्रे लिया था, उससे अपने मेकअप को सेट किया। ये मेरा फाइनल लुक है, आई होप आपको ये मेरा मेकअप लुक पसंद आया हो, बहुत ईजी है। कैसा लगा आपको ये मेरा मेकअप लुक आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी तरह का मेकअप लुक देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये लुक पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।